Hey guys, welcome back to the channel Travel with Ara. और आज हमारा दूसरा दिन स्टार्ट द इंजन बाइक हो गई स्टार्ट भाई ये एक चैलेंज है यारो आर्मी सभी के लिए देख रहे हो आप ये झड़ जाते हैं बाहर देखो भाई 100 मरेरी का भी कट आता है इसी पे 134 नया है गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद आरा और आज हमारा दूसरा दिन ले में और यार यहाँ से देखो यार क्या मस्त नज़ारा अपना होम स्टे से इधर इधर देखो और इधर देखो यार सो आज हम निकल रहे हैं अभी ले से हनले सो जिस होम स्टे में रुके हम यहाँ पे हम बहुत सालों से रुक रहे हैं आपने देखा भी होगा ये गोवा होम स्टे करके यहीं पे इनके पास बाइक्स भी है तो इन्हीं से बाइक ले लिया अपना हिमालयन नीचे अपनी रेडी है बाइक्स आपको दिखाता हूँ रुको वो देखो यार वहाँ नीचे एक मेरी एक सुरजीत की और उसके बगल में वगैरह एप्पल ट्रीज अभी आंटी ने जस्ट हमें फ्रेश एप्पल्स दिए तो ले टू हानले कुछ 250 किलोमीटर्स पकड़ लो अराउंड 6 घंटे लगेंगे हमें सबसे पहले काम करना है भाई अभी फ्यूल लेना है क्योंकि आगे हमें फ्यूल नहीं मिलने वाला ले के बाद एक ही जगह कारों में मिलेगा उसके बाद कहीं नहीं है तो फ्यूल अप करना पड़ेगा क्योंकि अराउंड 700-800 किलोमीटर कवर करना है हमें अभी तो आज का प्लान है ले टू हानले तो सुरजीत अभी बस रेडी हो रहा है टाइम हो चुका है थोड़ा लेट हो गया अभी 1 घंटे लेट चल रहा है भाई थोड़ा बस 1 घंटे तो टाइम हो चुका है 9:15 निकलना था 8 बजे का 9:15 हो गया और अभी भी शायद 9:30 बजे ही निकल पाएंगे तो ठंड की बात करूँ तो ठंड है भाई रात को अच्छी खासी ठंड है 0 डिग्री चल रहा था दिन में अभी 8-9 है इट्स फाइन हानले में माइनस में भाई रात को और भाई इधर दिखाता हूँ मैं आपको आई थिंक ऊपर अभी यहाँ क्लियर दिख रहा है ना सुबह बहुत ज़्यादा ही डेंस फॉग था फॉग कह रहा हूँ क्लाउड तब तो उधर बर्फबारी हुई है खादुंगला उससे पीछे के साइड तो उधर तो बर्फबारी है हानले के साइड देयर इज नो बर्फबारी तो वी आर ओके तो यार जल्दी से अब यहाँ से निकलते हैं और आगे मिलता हूँ आपसे गाइस ऑलमोस्ट ले के बाहर निकलने वाले हैं हम तो जहाँ हम रुके हैं गोवा होम से उसके बिल्कुल बाजू में ही है यार अपना पेट्रोल पंप तो वहाँ से फिल करा लिया जरीकैन में आ गए अपने 9 लीटर के करीब थोड़ा स्पेस रहने दिया ओवरफ्लो ना करे इसलिए और आके आई थिंक अब जो कारू आने वाला होगा आई थिंक वहाँ लास्ट पेट्रोल पंप है तो वहीं पर भरवाएंगे अब जो भी थोड़ा सा खाली हुआ होगा उसको रिफिल करा लेंगे सो गाइस हमने क्या था भाई जगह सुरजीत कारू से 2 किलोमीटर ये लास्ट पेट्रोल पंप है यार अगर आप हानले के साइड जा रहे हो तो हमने यहाँ से थोड़ा फ्यूल अप और कर लिया जो एम्प्टी हुआ था कुछ ऑलमोस्ट 1-1 लीटर ही और ऐड किया हमने पर हाँ ठीक है यार फिलअप कर लिया यहाँ पे और अब कारू से निकल रहे हैं टुवर्ड्स हानले अब हम शायद थोड़ा लंबा खींचेंगे 1 घंटा एंड देन शायद एक ब्रेक लिया जाए सो ये ले मनाली हाईवे वाला रोड है अपना स्टार्ट द इग्निशन अपनी बाइक हो गई स्टार्ट भाई 33 किलोमीटर चल रहे हैं भाई अपने गोवा होम स्टे से टूरिस्ट बहुत कम है ना तो अपना लोग भी बहुत कम है यहाँ पे भाषा नहीं है ज़्यादा इट्स वेरी चिल्ड आउट एक अच्छी बात है पेट्रोल भाई ले में महंगा है 104 रुपये लीटर है कुछ नॉर्मल पावर तो भाई 110 पावर है सो ये वाला रोड अपना ले मनाली हाईवे है यार तो यहाँ से आप मनाली भी जा सकते हैं इस रोड से एक रास्ता कटेगा पैंगोंग के लिए भी अभी आगे उपशी है ना उपशी पहुँचेंगे वहाँ से एक लेफ्ट जाएगा रास्ता टुवर्ड्स पैंगोंग और हमें जाना है सीधा उपशी से और फिर आगे उपशी के कुछ किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट कटेगा रास्ता फॉर हानले तो हम वो वाली रूट लेंगे 70 किलोमीटर कवर कर लिया यार ऑलमोस्ट 66.4 अपने होम स्टे से और यार देखो कितनी शांति इधर यार माँ है 98 नयो माँ इज 123 यहाँ से
सो अपना हानले जो है ले से अराउंड 257 रफली 257 से 260 किलोमीटर्स है। सो इट टेक्स यू 5 घंटे। और रास्ते अगर जो आप देख रहे हो भी ऐसे ही हैं बिल्कुल हानले तक, बीच में कुछ लाइक 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का एक स्पॉट है जो थोड़ा ख़राब है, वो भी मैं तब बात कर रहा हूँ जब जून में वो ख़राब था। अब आई डोंट नो अगर बना दिया हो तो फिर वो अलग बात है। और ये देखो यार इधर पानी ऑलमोस्ट नीला दिख रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है। ये आपको मई जून के महीने में नहीं दिखेगा ये कलर यार, ये सितंबर अक्टूबर के टाइम पे दिखता है, क्योंकि मई जून में जैसे ही मेल्ट होना शुरू होती है बर्फ तो उससे मिट्टी वाला पानी आता है यार काफ़ी। इधर देखो यार क्या सही लग रहा है भाई, आगे ऊपर देखो पहाड़ खतरनाक। ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कोई कहीं और चल रहे हो, अर्थ पे नहीं हो किसी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे ही हो यार। इस रास्ते पे बेस्ट थिंग है आप हाइड्रेटेड रहो, अगर आप ऑल्टीट्यूड सिकनेस से बचना चाहते हो तो हाइड्रेटेड रहो। अभी तक मेरे साथ तो ये रहा है कि अगर आप जितना पानी पियोगे ना बॉडी में जितना पानी जाएगा उतना अच्छा। यहाँ पे थोड़ा पैच करा, आई थिंक ये सही था लास्ट टाइम, ये ज़रूर यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई और ये रास्ता ख़राब हो गया यहाँ पे। तो इस जगह पे दिक्कत यही है कि हर साल में आप ये नहीं कह सकते ये रोड जो बना है बिल्कुल वैसा ही सेम मिलेगा आपको या बिल्कुल सही मिलेगा। ये एक चैलेंज है बीआरओ आर्मी सभी के लिए। देख रहे हो आप ये झड़ जाते हैं पहाड़, वो तो कहो यहाँ इतनी हैवी बारिश नहीं होती। यहाँ पे भी देखो जैसे काम चल रहा है, काट रहे हैं इसे और ये पूरा सेक्शन ही अच्छा था यार लास्ट टाइम, मुझे याद है ज़रूर ये वही है। गिर गया भैया 2 महीने में क्या करोगे यार, पानी तो इतना क्लियर है ना इधर क्या कहूँ मैं, अब लिटरली पी सकते हो ये इतना क्लियर है मैं बता रहा हूँ। आई थिंक सुरजीत भाई कह रहे हैं रुकने को यहाँ पे, हाँ लेट्स गो डाउन। क्या कह रहे हो सुरजीत भाई, नीचे तो बंद है, नीचे नहीं जा सकते हाँ, वहाँ से नीचे जाने का बंद है। हाँ खड़ी कर सकते हैं, चलो। हाँ गाइस छोटू सा ब्रेक लिया हमने इस लोकेशन के लिए, सुरजीत भाई ने कहा रुक जाओ। पानी देखो यार पानी का कलर, सुरजीत भाई कह रहे हैं वो तो जा रहे नहाने। सुरजीत भाई हाँ मैं नहा सकता हूँ, नहा सकते हो, रिस्क है सर, कोई नहीं रिस्क आगे इश्क है, रिस्क आगे इश्क है भाई। लोकेशन देखो कोई नहीं है भाई, इधर हम ही दो हैं। हाँ पीने लायक पानी एकदम क्लियर है भाई, वहाँ पर जाके फोटो निकाल सकते हैं, पर अभी हम इतना पानी में भीगने का शौक नहीं भाई, पानी बहुत ठंडा है। इधर देखो इधर कहीं ब्लास्टिंग कर रही है आई थिंक, पहाड़ों में कुछ रोड वोड काट रहे होंगे तो आवाज़ आ रही थी अभी। और ये रहे हमारे हेलमेट्स और वहाँ ऊपर में बाइक। सो गाइज ये देखो सीधा ये वाला रास्ता बंद है तो हमें इधर नीचे से जाना पड़ता है, आगे लास्ट टाइम भी बंद था तो ये नीचे से भी रास्ता बना रखा है। ना आगे क्यों बंद है या रास्ता बना रहे हैं, हम तो लास्ट टाइम आगे तक चले गए थे, इस बार इन्होंने यहाँ पत्थर रख दिए हैं जिससे कि पता चल जाए कि भाई आगे रास्ता बंद है। दिस इज रानी बाग, ऑल्टीट्यूड 11160 भाई। और भाई एक ब्रिज क्रॉस करते हुए भाई, ये वाली ब्रिज बड़ा ही अलग होता है यार एकदम। जस्ट वेटिंग कि उधर से आर्मी आ रही है, देखो ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था जून 2020 में, तो वो देख रहे हो आप उधर वो वाला रास्ता, वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं अभी तो आई थिंक वहाँ से वो रास्ता उधर जुड़ जाएगा। फिलहाल ये वाली ब्रिज खुली हुई है अभी तो आई थिंक वो उधर से कनेक्ट करेंगे बाद में। एंड इट्स वन कार एट अ टाइम, स्पीड लिमिट है भाई इसमें 10 का,
अपनी गाड़ी निकल जाए बस, उसके बाद अपन जाएंगे, क्योंकि यार देखो बीच में है ना। देख रहे हो ये बीच में, ये सारा डेंजरस होता है बाइक्स के लिए। है तो ये मेटल सिटी पूरी। आ गए दूसरे साइड। सो अपन अभी उधर से, आई थिंक वो वहां से कनेक्ट करने का इनका प्लान है, तो अब उधर से, अभी हम उधर चल रहे थे, अब हम इस साइड पे आ गए हैं भाई। सो आपको वेरिएशन वाले पहाड़ मिलेंगे इधर। ये देखो एकदम पहाड़ जो है एकदम रॉक सॉलिड, इनको काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए रास्ता इधर शिफ्ट किया, क्योंकि देख रहे हो इधर ये ना मिट्टी वाले पहाड़ हैं, इट्स ईजी टू कट दम। सो रास्ता बनाने ईजी है, उधर काटना बहुत मुश्किल है उनको यार, देख रहे हो। ये देखो भाई, सो मररी का भी कट आता है इसी पे, 134 नयोमा 94 लोमा जी 115। पर यार दिस इज अलग दुनिया, इधर आप जितनी बार आ जाओ हर बार एक अलग फीलिंग आती है इधर, इधर की ड्राइव इज आउट ऑफ द वर्ल्ड यार, मतलब कि इतना फेमस और इतना सुंदर है कि आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं यार जस्ट टू राइड मोटरसाइकिल्स, क्योंकि ऑफ रोडिंग उन्हें बहुत पसंद है। और इस रास्ते पे अब तो ये बहुत अच्छा टारमैक बन गया है, पर अभी भी बहुत एरिया है जहाँ ऑफ रोडिंग में बहुत मज़ा आता है। जैसे आप बात करो पदुम से ले जाओ लमाइरी होते हुए, फुल ऑफ रोड फन है। अरे वहाँ पे तो फॉरनर्स की चांदी है, वो लोग अपने, आई थिंक जो ये आते हैं बेसिकली कजाकिस्तान के उस साइड के एरिया से ही मोस्टली आते हैं ये सारे, कुछ यूरोपियन भी आते हैं, जैसे फ्रांस से आए थे लास्ट टाइम, मुझे मिले थे एक दो लोग भाई, वो जो बाइक भगाते हैं इस रस्तों पे, वो एज इफ दे आर बॉर्न राइडर्स यार, मतलब उनको बहुत मज़ा आता है, मतलब वो इतनी डेयरिंग इतनी स्पीड से, पता नहीं कैसे भाई। अपन तो भाई 50 पे चलने वाले लोग हैं आराम से इन्जॉय करते हुए। तो यहाँ देखो यार ग्रीनरी आई, जैसे ग्रीनरी आई मतलब कोई गांव आने, वो गांव होगा ये छोटा सा, मान ले आई थिंक 5 बजे तक वी शुड बी एबल टू टच। बीच बीच में थोड़ा रुकेंगे, थोड़े वीडियोस निकालने हैं, थोड़े ड्रोन शॉट्स, स्पेशली अपना नयोमा के साइड में यार। ओ वो एरिया तो जन्नत है जन्नत, अभी लोगों को पता नहीं है वो लिटरली जन्नत है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक पैंगोंग भी कभी कभी मुझे उसके साथ फीका लगता है। मैं तो इस बार थोड़ा भाई ऑन द बू बिकॉज सो मोरेरी यार, हमारा लास्ट टाइम भी रह गया था एंड इस बार प्रोबेबली विल बी एबल टू कम्प्लीट सो मोरेरी। आज तो बस हानले पहुँचने का प्लान है, हानले पहुँचेंगे आराम से रेस्ट करेंगे पीएंगे, और हाँ ऑब्जर्वेटरी होपफुली हम पहुँच जाए अंदर, तो आई थिंक उसमें फिल्मिंग अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, बाहर से ही अब आपको दिखा देंगे, बाकी हम अंदर से हम दिखाएंगे। देखना आपको तो आप आ जाइएगा इस रास्ते पे, आप फन भी हो जाएगा और ऑब्जर्वेटरी भी देख लोगे यार, एक बार तो आप लोगों का बनता है यार ऐसा आने पर रूट पर, टाइम निकालो यार कुछ भी करो अपनी लाइफ में और जल्दी करो, क्योंकि आई थिंक 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज होने वाला है ये एरिया। ये तो हो ही रह रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो रही है, तो क्या करें, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है पर एट द सेम टाइम नेचर को भी बचाए रखना है, तो उन सब चीज़ों का भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मैं देख रहा हूँ अभी तो वो एयरपोर्ट पर भी काम कर रहे हैं, इसको और बड़ा बनाने की कोशिश में है। देखो ये बस्ती यार, जहाँ तक मुझे पता है अपने ले से हानले के लिए एक बस चलती है भाई, आप 10 से भी आ सकते हो। आई थिंक वो सुबह चलती है ले से, शाम को हानले में वहीं रुकती है बस, एंड नेक्स्ट डे उसकी जर्नी शुरू होती है हानले से। आई थिंक मैं, हाँ मैंने कहीं पढ़ा था यही है शायद,